रविवार 11 अगस्त को पेरिस ओलंपिक 2024 के समापन के साथ भारत ने अपने उन हीरोज का जश्न मनाया जिन्होंने खेल के इस संस्करण के दौरान 6 पदक जीते। भारत ने पेरिस ओलंपिक्स में इस अभियान को 6 पदक के साथ समाप्त किया लेकिन कोई स्वर्ण पदक नहीं मिल पाया। नमस्कार, मैं प्रियांशु यहाँ पेरिस ओलंपिक से रिडेम्पशन की कुछ खूबसूरत कहानियाँ लेकर आया हूँ और कुछ दिल टूटने वाली बदसूरत कहानियां भी लेकर आया हूं। किसी भारतीय खिलाड़ी द्वारा खेल जगत में सबसे बड़ा रिडेम्पशन की कहानियां भी हैं और एक रात की नींद में सबसे बड़े दिल टूटने की कहानी भी है। आइए देखते हैं। द पिस्टल प्रोडिजी द शूटर हु एम्ड एट 2 मेडल्स विद इन 48 आवर्स। बात है टोक्यो की, जब मनु भाकर को शूटिंग में भारत की अगली बड़ी हस्ती माना जा रहा था। टोक्यो के लिए रवाना होने से पहले वह उन भारतीयों में से थी जिन पर सबकी नज़र थी लेकिन पिस्टल के मेलफंक्शन कर जाने के बाद उनके सपने टूट गए और यह प्रतिभाशाली खिलाड़ी फाइनल में नहीं पहुंच पाए। बहुत निराशा मिली और तो और इसके बाद उनके कोच के साथ भी मतभेद हो गए। सफलता न मिलने के कारण खेल को छोड़ने तक का विचार उनके मन में आने लगे लेकिन वो कहते हैं ना, ड्रीम ऑफ ग्लोरी इज टू बिग टू गिव अप। और फिर क्या था, उन्होंने फिर से पिस्टल उठाना शुरू किया, अपने कोच के साथ संबंध सुधारे, उस सपने पर ध्यान केंद्रित किया जो टोक्यो में उनसे दूर हो गया। ओलंपिक मेडल मनु की प्रतिभा के साथ यह केवल समय की बात थी। इट वॉज द ओनली मैटर ऑफ टाइम एंड हर टाइम कम इन द पेरिस ओलंपिक एट चैटरॉक्स शूटिंग सेंटर। 28 और 30 जुलाई को मनु भाकर ने 2 कांस्य पदक जीते, एक 10 मीटर पिस्टल महिला स्पर्धा में और दूसरा मिश्रित टीम स्पर्धा में। 48 घंटों के भीतर मनु ने वह कर दिखाया जो आज तक इस सदी में कोई भी भारतीय खिलाड़ी नहीं कर पाया था, एक ही ओलंपिक संस्करण में 2 मेडल जीतना। इसमें कुछ समय लगा लेकिन पिस्टल की इस प्रतिभाशाली खिलाड़ी ने अपने वादे को प्रदर्शन में बदल दिया। द गोस्ट ऑफ टोक्यो आर बरिड डीप और मनु भाकर भारत की सबसे सम्मानित ओलंपियंस की श्रेणी में शामिल हो गई। वह तीसरा पदक भी जीत सकती थी लेकिन अफसोस, प्रशंसकों की उम्मीद है कि लॉस एंजलिस 2028 में ऐसा होगा। सिंह इज किंग। सरबजोत सिंह पुरुषों की 10 मीटर स्पर्धा के फाइनल के लिए क्वालिफिकेशन से बहुत कम अंतर से चूक गए। अतिरिक्त इनर 10 होने पर उन्हें पदक जीतने का मौका मिल सकता था लेकिन निराशा हाथ लगी। हाउएवर, जब कुछ दिन बाद उन्हें फिर से एक मौका मिला मेडल पर निशाना लगाने का तो उन्होंने इस मौके को हाथ से जाने नहीं दिया और अपनी किस्मत बदल ली। मनु भाकर के साथ मिलकर सरबजीत ने अपने धैर्य का प्रदर्शन बनाए रखा और लक्ष्य पर निशाना साधते रहे। सरबजीत और मनु ने टीम इंडिया को एक और कांस्य पदक दिलाने में मदद की। सरबजोत कुछ ही दिन में पीड़ा से उभरकर खुशी में बदल गए और शूटिंग में भारत के अच्छे प्रदर्शन को आगे बढ़ाया। वे घर लौटे, उनका हीरो की तरह स्वागत हुआ और उन्हें एक लक्ष्य मिला, लॉस एंजलिस 2028 गोल्ड मेडल। द अंडरडॉग भारतीय निशानेबाज दल पेरिस में बहुत उम्मीदों के साथ उतरा। पदक की उम्मीद थी और कुछ बेहतरीन दावेदार भी थे लेकिन स्वप्निल कुसाले रैंकिंग में थोड़े से पीछे थे, या यूं कहना ठीक होगा कि वो इस दल में सबसे अंडरडॉग थे। कुसाले की स्पर्धा 25 मीटर 3P राइफल शूटिंग के ओलंपिक स्तर पर किसी भारतीय के लिए अपने दरवाजे नहीं खोले थे। कोई भी भारतीय इस स्पर्धा के फाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाया। पदक के करीब तो पहुंचना बहुत दूर की बात। हालांकि कुशाले ने सपने देखने की हिम्मत की। उन्हें कई बार दिल टूटने का सामना करना पड़ा। हांगजे एशियाई खेलों में कुशाले ने पदक क्षेत्र से बाहर होने और 4th रैंक पर रहने से पहले मोस्ट ऑफ टाइम फाइनल में बढ़त बनाए रखी। पेरिस में उन्होंने एक डिफरेंट तरीके से काम किया। फाइनल सीरीज में पदक की दौड़ में शामिल होने वाले पहले
कुशलिया शीर्ष तीन से बाहर रहे, लेकिन आखिर में वह तीसरे स्थान पर रहे और 50 मीटर 3P राइफल शूटिंग में ओलंपिक पदक जीतने वाले पहले भारतीय बन गए और कुछ इस तरह से बने वो अंडरडॉग से थर्ड ब्रॉन्ज मेडलिस्ट विनर फॉर इंडिया। हॉकी हीरोज। टोक्यो में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने साबित कर दिया कि वे शीर्ष टीमों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खेल सकते हैं और पेरिस में उन्होंने यह दिखाया कि यह टीम शीर्ष पर है और वो यहाँ रूल करने के लिए आए हैं। हमारे कप्तान सरपंच साहब हरमनप्रीत सिंह की अगुवाई में भारतीय टीम ने ग्रुप गेम्स में प्रीवियस चैंपियन बेल्जियम को कड़ी टक्कर दी और इसके बाद ऐतिहासिक जीत ली। भारत ने ग्रुप गेम में ऑस्ट्रेलिया को 3-2 से हराकर 1972 के बाद ओलंपिक में कुकाबुरास के खिलाफ अपनी पहली जीत दर्ज की। यह इस बात की स्पष्ट घोषणा है कि हम यहाँ स्वर्ण पदक जीतने आए थे और उससे कम कुछ नहीं चाहिए, और इसी का प्रमाण उन्होंने आगे चलकर एक बार फिर क्वार्टर फाइनल में दिया। भारत ने क्वार्टर फाइनल में लगभग 3 क्वार्टर तक 10 खिलाड़ियों के साथ ग्रेट ब्रिटेन को हराया, लेकिन हमारी किस्मत पेरिस ओलंपिक से ही इस बार रूठी हुई थी। सेमीफाइनल के लिए निलंबित किए गए एक खिलाड़ी की कमी उन्हें परेशान करने लगी। अपनी सबसे बेहतरीन डिफेंस खिलाड़ी अमित रोहिदास के बिना भारत को विश्व चैंपियन जर्मनी के खिलाफ अहम मुकाबले में बदलाव करना पड़ा। भारत ने मैच पर दबदबा बनाया, लेकिन रोहिदास की चूक महंगी साबित हुई और स्कोर लाइन 3-2 से जर्मनी के फेवर में रही, और क्योंकि हम वन ऑफ दी बेस्ट टीम थे इस टूर्नामेंट में, हमें कांस्य पदक जीतकर पीआर श्रीजेश को शानदार विदाई दी। लेकिन निश्चिंत रहे, भारतीय हॉकी फिर से इस दुनिया पर राज करने के लिए तैयार है। हमारी इस हॉकी की जीत में दो सबसे बड़े हीरोज रहे। पहले कप्तान हरमनप्रीत सिंह, जो इस बार ओलंपिक में हाईएस्ट गोल स्कोरिंग प्लेयर डिस्पाइट हिज टीम विनिंग ब्रॉन्ज, ही वाज टॉप ऑफ द टेबल इन टर्म ऑफ गोल स्कोरिंग। सिर्फ एक मैच जहां वो गोल नहीं कर पाए, वहां हमें हार मिली। और दूसरे सबसे बड़े हीरो रहे द बॉल ऑफ इंडिया कहे जाने वाले सर पीआर श्रीजेश, जिन्होंने हर मैच में बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया। इनफैक्ट जब हमने क्वार्टर फाइनल में ग्रेट ब्रिटेन को हराया, तब ग्रेट ब्रिटेन ने 28 गोल अटेम्प्ट मारे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक ही कन्वर्ट कर पाए, क्योंकि हर बार उनके रास्ते में वो सरबजीत को पा रहे थे। खैर, एक शानदार प्रदर्शन ब्रॉन्ज मेडल मैच भी दिया और भारत को जीत, और इस जीत के साथ पीआर श्रीजेश रिटायरमेंट। अब हॉकी के हमारे गोल पोस्ट के सामने वो नहीं मिलेंगे, पर उनकी लेगेसी वहाँ जरूर रहेगी। गोल्डन बॉय नीरज कुड नॉट क्लेम गोल्ड दिस टाइम एज इट वॉज नीरज वर्सेस नदीम। नीरज चोपड़ा खुद को जिस स्टैंडर्ड पर रखते हैं, जब उन्होंने रजत पदक जीता तो उनके चेहरे पर निराशा साफ झलक रही थी। हालांकि उन्हें भी पता था कि उनका मुकाबला एक ऐसे सुपर ह्यूमन से था जिसका दिन आ गया है। पाकिस्तान के अरशद नदीम ने ओलंपिक्स रिकॉर्ड तोड़ा और जो लोग सोच रहे थे वह महज एक संयोग था, इसके लिए उन्होंने फिर से वही किया। पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में फाइनल में केवल नदीम नहीं स्वर्ण के लिए खुद से प्रतिस्पर्धा की, अन्य ने रजत और कांस्य पदक के लिए मुकाबला किया। नीरज की निरंतरता फिर से चमकी, उन्होंने फिर से लाखों लोगों को प्रेरित किया, लेकिन स्वर्ण पदक नहीं मिला। नीरज को स्वर्ण पदक चाहिए था, हम भी स्वर्ण पदक की उम्मीद में थे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। पेरिस अभियान की सबसे चौंकाने वाली घटना में से एक थी। हालांकि यह तथ्य भी आधी रात के बाद भी करोड़ों भारतीय जेवलिन थ्रो स्पर्धा का अनुसरण करने के लिए जाग रहे थे, भारतीय खेलों के लिए अपने आप में स्वर्ण पदक।
ऑर्फन एट 11, ओलंपिक मेडल एट 21। 21 वर्षीय अमन सहरावत शुक्रवार को पेरिस ओलंपिक में पुरुषों की 57 केजी वर्ग की कांस्य पदक स्पर्धा में प्यूटोरिको के डॉर्नियर टॉयक्रूज को 13-5 से हराकर ओलंपिक पदक जीतने वाले भारत के 7वें पहलवान बन गए। पेरिस ओलंपिक्स में अपना कांस्य पदक अपने दिवंगत माता पिता और भारत को समर्पित किया। मुकाबला जीतने के बाद उन्होंने कहा, मेरे माता पिता हमेशा चाहते थे कि मैं पहलवान बनूं। उन्हें ओलंपिक्स के बारे में कुछ नहीं पता था, लेकिन वह चाहते थे कि मैं पहलवान बनूं। मैं यह पदक अपने माता पिता और अपने देश को समर्पित करता हूं। अमन ने 11 साल की उम्र में ही अपने माता पिता को खो दिया। वह ओलंपिक के सबसे कम उम्र के भारतीय पदक विजेता बने। इससे पहले अमन ने राउंड ऑफ 16 में नॉर्थ मैसिडोनिया के व्लादिमिर एगोरेव पर 10-0 की शानदार जीत हासिल की और इसके बाद क्वार्टर फाइनल में अल्बानिया के जेलिम खान अपकानो के खिलाफ 12-0 की तकनीकी श्रेष्ठता हासिल की। अमन ने ओलंपिक क्वालिफायर के लिए राष्ट्रीय चयन ट्रायल के दौरान रवि को हराया, जिससे उन्हें पेरिस 2024 के लिए जगह मिली। इस पदक के साथ भारत ने अब 2018 के बाद ओलंपिक खेलों में कुश्ती में पदक जीता। अमन ने डेरियन को हराया। शुक्रवार को अमन ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पेरिस ओलंपिक में भारत के लिए कुश्ती में पहला पदक जीता। कांस्य पदक से काफ़ी करीबी मुकाबले में टॉयक्रूज ने अमन सहरावत को खेल के मैदान से बाहर कर पहला अंक हासिल किया। हालांकि सहरावत ने तुरंत करारा जवाब दिया क्रूज के पैरों को लॉक करके। दूसरे हाफ की शुरुआत में अमन ने जोरदार तरीके से तुरंत क्रूज को लॉक करके 3 अंक की बढ़त हासिल की। लगभग 2 मिनट बचे होने पर सहरावत द्वारा टेक्निकल अंक लेने के बाद क्रूज को असुविधा के कारण चिकित्सा की आवश्यकता पड़ी। पिछड़ने के बावजूद प्यूटोरिकन ने प्रभावी ढंग से बचाव करने के लिए संघर्ष किया। सहरावत ने क्रूज की चोट का फायदा उठाया और तकनीकी अंक हासिल करके अपनी बढ़त को 10-5 तक बढ़ाया। फिर उन्होंने अंतर को 7 अंक तक बढ़ाया, अंततः 13-5 की शानदार जीत हासिल की और इतिहास रचते हुए इंडिया के 2008 से चली आ रही रेसलिंग में मेडल की इस लहर को बनाए रखा। इतिहास और खुशी के साथ कई दिल टूटने की घटनाएं भी सामने आई। भारतीय एथलीट टीम पदक जीतने से बस एक जीत दूर रह गई। यह सब अर्जुन बाबूता से शुरू हुआ, जो 10 मीटर पुरुष राइफल फाइनल में 4th स्थान पर रहे। दिल तोड़ने वाली बात यह थी कि लंबे समय तक स्वर्ण के लिए अंतिम चैंपियन चीन के लिहाओ शांग को चुनौती दे रहे थे। मैच के आखिरी क्षणों में एक खराब शॉट के बाद पदक जीतने की उम्मीद को तोड़ दिया और वहीं से भारत के लिए लगभग हार का सिलसिला शुरू हो गया। धीरज बोमादेवरा और अंकिता भगत की मिश्रित तीरंदाजी टीम अगली थी। इस जोड़ी ने फाइनल में दक्षिण कोरिया के साथ कड़ी टक्कर दी, लेकिन कांस्य पदक के लिए अमेरिका के खिलाफ मुकाबले में वह अपनी तीव्रता बरकरार नहीं रख पाए। मनु भाकर की तीसरे पदक की उम्मीद तब खत्म हो गई जब वह 25 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में 4th स्थान पर रही। शूटिंग में एक और निशाना मिश्रित टीम स्टीक स्पर्धा में देखने को मिली। महेश्वरी चौहान और अनंतजीत नरुका की जोड़ी, जो कांस्य पदक जीतने के लिए चीन को कड़ी टक्कर दी, लेकिन वे सिर्फ 1 अंक से हार गई। एक और पल के लिए लगा कि 4th पदक आ गया, लेकिन जल्दी यह मौका खत्म हो गया। लेकिन लक्ष्य सेन ने मलेशिया के ली जी जिया के खिलाफ पहला गेम जीतने के बाद अगले 2 गेम आसानी से हार गए और पोडियम से चूक गए। हमने 6 पदक ऐसे अंतर से गंवाए हैं जो हमारी संख्या को दोगुना कर सकते थे। और हमने अपने एक वीडियो में इन एथलीट के बारे में बात किए और बताया है कि कैसे वे इतने करीब पहुंच गए थे लेकिन जीत नहीं पाए। आप और जानना चाहते हैं तो कृपया आई बटन या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो का लिंक
देखें। और अभी के लिए मैं प्रियांशु आप सभी से लेता हूँ अलविदा। अलविदा लेने से पहले यदि आपको ये वीडियो या हमारा प्रयास पसंद आता है तो इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स आपको मिल जाएं सबसे पहले। धन्यवाद।